हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनिया साइबर किचन, यानी कि आपका अपना किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं बैंगन का भरता। जी हाँ, बैंगन का भरता बहुत ही टेस्टी लगता है सबको खाने में, पर टेस्ट सबका एक सा नहीं आता है। तो आज हम ये एक सिंपल सी रेसिपी को बढ़िया से तरीके से बना के बहुत ही टेस्टी बनाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसके इन्ग्रीडियंट्स। ये मैंने दो बैंगन लिए हैं जिनको कि मैंने भून के छील लिया है, और छीलने के बाद अच्छे से मद लिया है इसको, यानी कि मैश कर लिया है। फ्रेंड्स, दो बैंगन के लिए मैंने लिए हैं ये 6 प्याज और लगभग 8-9 टमाटर ले लिए हैं मैंने यहाँ पर। और हम इसे बढ़िया बनाएंगे मटर डालकर। ये मटर वाला बैंगन का भरता जो है बहुत ही खाने में टेस्टी लगता है। ये 1 कटोरी मटर मैंने छील करके धो लिए हैं, और हरा धनिया इसमें बहुत सारा, बहुत अच्छा लगता है। तो हरा धनिया आप जितना चाहें उतना डाल सकते हैं। और हरी मिर्ची ले ली है मैंने 3। अगर आपको तीखा ज़्यादा करना है तो आप बढ़ा लीजिए, अगर आप मिर्ची कम खाते हैं तो घटा लीजिए। फ्रेंड्स, इसके लिए मसाले भी हमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए रहते, तो जल्दी से देख लेते हैं हम। ये मैंने ले लिया नमक, ये धनिया पिसा हुआ, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको, मैं घर पर ही पीसती हूँ। घर पे पीसने से धनिया जो है इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी आती है सब्जियों में, और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। और फ्रेंड्स, इसको पीसने में ज़्यादा समय नहीं लगता। आप डालेंगे मिक्सी में तो ये लगभग 1 मिनट के अंदर हमारा धनिया पीस कर तैयार हो जाता है। और ये मैंने ले लिया लाल मिर्च पिसी हुई, ये मैंने ले लिया देगी मिर्च या कश्मीरी मिर्च इसको बोलते हैं जो भी, इससे जो है कलर अच्छा आ जाता है, ये तीखी नहीं रहती है। तो थोड़ा सा हम ये भी डालेंगे तो इससे कलर अच्छा आ जाएगा हमारे भरते का। तो सबसे पहले हम प्याज को छील करके धोकर अच्छे से और छोटा छोटा चॉप कर लेंगे, और इसी तरीके से टमाटर को और धनिए को और मिर्ची को भी। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और चॉप करते हैं अपनी सब्जियाँ। ये देखिए फ्रेंड्स, प्याज को मैंने काट लिया है। अब हम सबसे पहले कढ़ाई में ऑयल डाल देंगे, जो भी वेजिटेबल ऑयल आप खाते हैं वो डाल सकते हैं, सरसों का तेल या देसी घी, जिस भी आप तेल में खाना बनाना पसंद करते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने कढ़ाई ले ली है और इसमें डाल दिया है सरसों का तेल। भरता जो है मैं सरसों के तेल में बनाती हूँ। ये मैंने कर दिया है फ्लेम को ऑन। तो अब जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है, हम अपने टमाटर भी चॉप कर लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, तेल हो गया हमारा गरम अच्छे से। अब हम इसमें सबसे पहले डाल देंगे मटर। फ्रेंड्स, मटर जो है मैंने कच्चे मटर लिए हैं, इन्हें बॉईल नहीं किया, इसलिए नीचे पे सबसे पहले मैंने मटर डाले हैं। और अब इसके ऊपर डाल देंगे प्याज। फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखिएगा आप, जब हम मटर डालते हैं गरम तेल में तो वो एकदम उछलने लगते हैं, तो थोड़ा सा अपना ध्यान रख करके बनाइएगा। अब प्याज हमारे बीच में डाल दी हमने, ये थोड़े से हम इसको ऐसे ही रहने देंगे कि मटर नीचे है वो थोड़ा सा गल जाए, इसको फिर हम हिलाएंगे। अभी हम इसको 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हम इसे हिला लेंगे, 2 मिनट हो गए। फ्रेंड्स, हमने हिलाया इसलिए नहीं था इसको, ताकि मटर जो है हमारा गल जाए। हमने कच्चा मटर लिया है क्योंकि प्याज तो हमारा बहुत जल्दी सौटे हो जाएगा। और साथ ही साथ इसमें हरी मिर्च भी डाल दी थी मैंने प्याज में। अब प्याज को थोड़ा सा बस हमें पिंक कलर होने तक भूनना है, और फिर हम इसमें डाल देंगे टमाटर। अभी प्याज जब तक हमारा पिंक हो रहा है, हम इसमें डाल देते हैं हरा धनिया। फ्रेंड्स, जब हम हरा धनिया इसके साथ बीच में डालते हैं तो उसकी एक भीनी सी खुशबू जो आती है वो बहुत बढ़िया लगती है सब्ज़ी में, इसलिए मैंने बीच में डाल दिया है। और इसको साथ में जब ये भुनता है तो एक बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है इसमें से। इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे और फिर हम टमाटर डालेंगे इसमें। ये देखिए फ्रेंड्स, प्याज हमारे हल्के पिंक कलर के हो गए हैं। हमें इसे और ज़्यादा नहीं भूनेंगे, और अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर।
टमाटर, और साथ ही साथ हम इसमें डाल देंगे मसाले। फ्रेंड्स, काउंटर आपने अगर अपना कवर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, इससे हमें सफाई रखने में आसानी रहेगी। अब मैं डाल रही हूँ इसमें नमक। फ्रेंड्स, नमक मैं 2 बैंगन का भरता जो कि मीडियम साइज़ का था उसके अकॉर्डिंगली डाल रही हूँ। प्लीज़ आप नमक अपने अकॉर्डिंग डालिएगा। और ये मैंने ले लिया मिर्च, और ये मैंने ले लिया है 1/2 स्पून देगी मिर्च या कश्मीरी मिर्च जिसे कहते हैं, और ये मैंने ले लिया है 1/2 साबुत धनिया। अब इसे जो है हमें इसे हमें अच्छे तरीके से भूनना है। फ्रेंड्स, ये जो है काम मैं बिल्कुल तेज़ गैस पे कर रही हूँ, गैस का फ्लेम मैंने स्लो नहीं किया है। अगर हम स्लो कर देंगे तो प्याज जो है थोड़ा सा ज़्यादा ढीला पड़ जाएगा, तो वो भरते में जो प्याज का टेस्ट आना चाहिए वो नहीं आता है। तो इसको मैंने तेज़ गैस पर ही भून रही हूँ। और मटर हमने नीचे डाल दिए थे तो उससे मटर जो है हमारे गल गए हैं। अब हम इसे थोड़ी देर भूनेंगे, 5 मिनट तक, और बीच बीच में हिलाते रहेंगे। ये देखिए हमारे टमाटर जो है क्या बढ़िया तरीके से भुन रहे हैं। फ्रेंड्स, इसे हमें तब तक भूनना है जब तक कि ये तेल ना छोड़ दें अलग से, क्योंकि ये जितना बढ़िया अच्छे से भुना हुआ होगा हमारा भरता उतना ही टेस्टी बनेगा। कलर आना तो शुरू हो गया है, बस लगभग 5 से 7 मिनट और लगेंगे और हमारा जो ये मटर वाला भरता हम बना रहे हैं इसका मसाला जो है ये भुन करके तैयार हो जाएगा। इसको बीच बीच में चलाते रहिएगा ताकि ये अच्छे से सब तरफ से भुने। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मसाले ने जो है तेल छोड़ना शुरू कर दिया है, मसाला जो है हमारा अच्छे से भुन चुका है। फ्रेंड्स, इसमें जो है मैंने टमाटर काट के डाला है, प्योरे नहीं लिया है या टमाटर को ग्राइंड नहीं किया है, क्योंकि भरते में जो है कटे हुए टमाटर का फ्लेवर एक बहुत ही अच्छा आता है, तो इसलिए इसमें टमाटर जो है काट के ही यूज़ करिएगा। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं बैंगन जो हमने अपना मद करके रखा हुआ था, और इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। ये देखिए मैंने कर लिया इसे अच्छे से मिक्स, और अब हम इसे 10 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे जब तक कि ये तेल ना छोड़ दे। फ्रेंड्स, ये मटर वाला भरता बहुत ही टेस्टी बनता है, और सर्दियों में तो मटर हमें खूब मिलता है फ्रेश खाने को, तो हमें ज़रूर ऐड करना चाहिए। पर टेस्ट तो आप इसका तभी बता पाएंगे जब आप इसे ट्राई करेंगे, बनाएंगे, तो इसे प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। अब हम इसे 10 मिनट के लिए भुनने देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, भरता जो है हमारा अच्छे से भुन गया है, तेल जो है सब्ज़ी ने छोड़ना शुरू कर दिया है, तो भरता हमारा बन करके तैयार है। अगर आप चाहें तो गरम मसाला इसमें ऐड कर सकते हैं, मैं गरम मसाला नहीं ऐड कर रही हूँ क्योंकि हरी मिर्च भी डाली है हमने, लाल मिर्च, तो ये वैसे ही बहुत स्पाइसी बना है। अगर आपको ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये किसी भी नॉर्मल चपाती के साथ या पराठे के साथ खाइए, बहुत ही बढ़िया लगता है भरता। कई लोग तो इसकी पैटीज भी बनाकर खाते हैं जिनको भरता बहुत पसंद है, तो आप वैसे भी खा सकते हैं, ब्रेड में भी खा सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे खाइए, पर बनाएंगे तो खाएंगे तो बनाइए ज़रूर। चलिए हम इसे जल्दी से कर लेते हैं प्लेटिंग। तो लीजिए फ्रेंड्स, भरता हमारा बनकर गर्मा गर्म तैयार है। तो अगर आपको यह मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी और हेल्दी रेसिपीज़ लेकर आऊँ। नेक्स्ट रेसिपी में फिर से मिलेंगे, तब के लिए थैंक यू, बाय बाय।